नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के महाराजपुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में गार्डन के लिए खाली पड़ी भूमि पर क्षेत्र के ही कुछ दबंग लोगों के द्वारा कब्जा करते हुए अवैध रूप से मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत लेकर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से आए लोगों ने कलेक्टर को शिकायत देते हुए अवगत कराया कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में शासकीय भूमि गार्डन के लिए आवंटित की गई है, जिस पर कॉलोनी के कुछ लोगों के द्वारा ही साजिश पूर्वक उक्त भूमि में कब्जा किए जाने की नीयत से उसमें कब्जा करते हुए मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जबकि प्रशासन के द्वारा उक्त भूमि पर बिना किसी अनुमति के अवैध तरीके से मंदिर का निर्माण कराकर कब्जा किया जा रहा है। जहां अपर्णा कॉल ने जब विरोध कर बताया गया कि यह भूमि गार्डन के लिए आवंटित है, बावजूद इसके लोगों के द्वारा उनसे अभद्रता की गई और रातों रात भूमि पर चबूतरे का निर्माण करवा लिया गया, जिसकी शिकायत उनके द्वारा उद्यान विभाग आधारताला थाने से लेकर SP ऑफिस में की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं कॉलोनी के लोगों ने कलेक्टर को शिकायत पत्र देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। मैं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से आई हुई हूं, वार्ड क्रमांक 75, जहां पे CL 51 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सामने गार्डन की जगह पड़ी हुई है, खाली जगह पड़ी हुई है। तो वहां के जो कॉलोनी के जो रहवासी हैं, कुछ जो पीछे साइड के रहवासी हैं, वो उस जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कर रहे हैं मंदिर का, एक तरीके से कब्जे जैसा, बिल्कुल अनैतिक तरीके से बना रहे हैं उन लोग मंदिर, रातों रात काम कर रहे हैं। मेरे द्वारा शिकायत भी करी गई है कलेक्ट्रेट ऑफिस में भी, SP ऑफिस में भी की गई है, आधारताल थाने प्रभारी में भी की हुई थी। तो उन्होंने मेरे को साफ बोला कि मैं ये शिकायत नहीं लूँगा, और कब लूँगा, जब आप लड़ाई झगड़ा करोगे, गाली गलौज करोगे, मारपीट करोगे, तब मैं लूँगा। और मेरे द्वारा ये सब नोटिस भी सब जारी किया गया उद्यान विभाग द्वारा भी, लेकिन उन लोग इसके बावजूद भी सारा काम कर रहे हैं। आज मैं कलेक्ट्रेट ऑफिस में आई हुई हूँ, ये मेरी दूसरी बार जन सुनवाई है और सब कुछ हुआ है। नगर निगम द्वारा कुछ भी अभी तक कार्यवाही नहीं की गई है, अभी तक सब प्रशासन सो रहा है। मेरा ये कहना है कि वो हटाया जाए, जो गार्डन की जगह है उसको गार्डन ही बनाया जाए, ताकि लोगों के वो काम आ सके, है ना। मंदिर बना के आप एक तरीके से बना लेंगे, फिर धीरे धीरे टाइल्स लगाएंगे, धीरे धीरे गुंबद लगाएंगे, फिर पैक कर लेंगे, बोलेंगे ये तो हमारा है, ठीक है ना। और बच्चों के लिए फिर बोलेंगे अरे बच्चे खेलते तो हल्ला होता है, गंदगी होती है, ये सब कहानियाँ होती हैं आगे चल के भविष्य में। तो अपन को ये सब नहीं चाहिए, अगर वो गार्डन की जगह है तो गार्डन का ही यूज़ किया जाए। और प्रशासन द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। पार्षद जो हमारे यहाँ के लगते हैं, लक्ष्मी नारायण गौटिया जी, वो भी उनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वोट चाहिए। और उनके हस्बैंड जो उनका कार्यकर्ता सब संभालते हैं, किसके, पार्षद का संभालते, जबकि वो पार्षद नहीं है, लक्ष्मण गौटिया वो कर रहे हैं। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम अर्पणा पोल है, मैं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से आई हुई हूँ। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।